नमस्कार। आपके जैसा दिल सबके पास नहीं होता है। आप कहोगे सर आज ये क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा हूं मैं। और जब मैं आपको अभी आगे बात करूंगा ना, तो आप खुद इसके साथ में जुड़ेंगे। आप कहोगे सर वाकई में आप परफेक्ट बात कर रहे हो। एक बात ध्यान रख लेना कि आपके जैसा दिल सबके पास नहीं होता है। क्या होता है? आप अच्छी सोच रखते हो किसी के प्रति, गुड बिहेवियर रखते हो लोगों के प्रति, अच्छी लैंग्वेज बोलते हो दूसरे लोगों को, अच्छे कर्म करते हो दूसरे लोगों के प्रति या दूसरों के लिए, अच्छी सोच रखते हो, अच्छी लैंग्वेज बोलते हो, उन्हें आप करके सम्मान देके बोलते हो, अच्छा बिहेवियर रखते हो उनसे आव भगत, और उनको वाकई में अच्छा एक बिहेवियर फील कराते हो, अच्छे कार्य करते हो, फिर आप क्या सोचते हो कि यार मैं उसके साथ में अच्छा बिहेवियर कर रहा हूं तो वो भी मेरे साथ भी अच्छा बिहेवियर करे, यार मैं उसे मान सम्मान दे रहा हूं तो वो भी मुझे मान सम्मान दे, यार मेरी सोच उसके प्रति अच्छी है, मैं उसके लिए अच्छा सोचता हूं तो वो भी मेरे लिए अच्छा सोचे। आपकी सोच, आप यही सोचते होंगे। लेकिन जब कभी इसके उल्टा होता है, कभी कभी इसके उल्टा होता है, आप उससे अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छा मान सम्मान देते हो, सामने वाला आपको मान सम्मान वैसा नहीं देता, आप उससे अच्छा बिहेवियर रखते हो लेकिन सामने वाला आपसे वही उतना अच्छा बिहेवियर नहीं रखता, तो फिर आप दुखी होते हो, हताश होते हो, निराश होते हो कि यार मैं इसके लिए इतना करता हूँ, यार इतनी अच्छी सोच रखता हूँ, यार इतना अच्छा बिहेवियर रखता हूँ इसके प्रति, और ये मुझे इतना मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करता है, ऐसी सोच मेरे प्रति नहीं रखता है, ऐसी भाषा, ऐसा मान सम्मान मुझे नहीं देता है। तो आप निराश और हताश मत होना, मन में एक हल्की सी मुस्कुराहट लाना और कहना अपने आप से कि यार मेरा जैसा दिल सबके पास नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट बात। आप हताश निराश उदास मत होना, क्योंकि आप दिल के अच्छे हो, आप दिल के साफ हो, और आप दिल से बिल्कुल बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप लोगों से अच्छा व्यवहार करते हो, आप लोगों के प्रति अच्छी वाणी से बोलते हो, और आपकी सोच बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अपने आप को दोष मत देना, कोई सामने वाला आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, आपसे अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा, तो अपने आप को अंदर से भगवान को थैंक यू देना कि आपके जैसा दिल सबके पास नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत से लोग बहुत निराश और हताश और उदास हो जाते हैं यार के यार, और अपने आप को मतलब गिल्टी भी फील करते हैं कि नहीं सर उन्होंने, मैं हम तो उनके लिए इतना करते हैं और उन्होंने ऐसा भी हमारे लिए नहीं किया। नहीं किया क्यों? क्योंकि आपके पास जैसा दिल उनके पास नहीं है। आप अच्छे हो, वो अच्छे, बस अपने आप को भगवान को थैंक यू देना, भगवान मैं कितना अच्छा हूं, सामने वाला अच्छा है नहीं, सामने वाला बुरा है, सामने वाले में मैनर्स नहीं है, सामने वाले में एटिकेट्स नहीं है, ये सोचना कि वो आपके जैसा नहीं है, आप उससे कई गुना ऊपर हो, अच्छा बोलने में, अच्छी लैंग्वेज में, अच्छा व्यवहार पर, अच्छी सोच में आप उससे कई गुना आगे हो, क्योंकि सामने वाला भी आपके साथ अच्छी सोच नहीं रखता है, अच्छा बिहेवियर नहीं रखता है, तो वह तो बिल्कुल बैड मैनर्स का है, क्योंकि मान और सम्मान देना तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जब भी कभी आपको लगे तो निराश मत होना, लेकिन ध्यान रखना कि आपके जैसा दिल सबके पास नहीं होता है। आप जैसा लोगों के लिए सोचते हो, आप जैसा लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचते हो, लोग ऐसा नहीं सोचते। इसीलिए बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर हम तो लोगों के लिए इतना करते हैं, हम तो उन्हें खूब मान सम्मान देते हैं, हम तो उनसे खूब बिहेवियर करते हैं, फिर लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपके जैसा दिल उनके पास नहीं है, इसीलिए तो वो आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। उनके पास एटिकेट्स नहीं है, उनके पास मैनर्स नहीं है बोलने का, और उनके पास ऐसी अच्छी आदतें नहीं हैं जो आपके पास में है। इसलिए ध्यान रखना जीवन में कभी भी इस बात को लेकर हताश निराश और उदास मत होना कि मैं लोगों के लिए अच्छी सोच रखता हूं तो लोग मेरे लिए नहीं रखते। कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने दिल को सही रखना, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा होता है और सबका दिल आपके जैसा नहीं होता है।